जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में कोरोना की आंधी, 24 घंटों में 11,045 नए केस मिले। जी हां दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको रोजाना मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब कोरोना पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। प्रदेश में 15 अप्रैल को रिकॉर्ड 11,045 नए केस मिले हैं। इस दौरान 60 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटों में अकेले भोपाल में ही 112 शवों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया गया। अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, अगर कहीं खाली भी है तो वहां ऑक्सीजन की कमी है। यदि किसी तरह ऑक्सीजन का इंतजाम भी हो जाए तो आईसीयू में एक भी बेड खाली नहीं है, इसलिए कोरोना से सतर्क रहना जरूरी है और घर पर ही रहिए। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े देखें तो कोरोना की पहली लहर से दूसरी लहर 3 गुना से भी ज्यादा तेजी से संक्रमण फैला रही है। पहली लहर में 1 से 15 सितंबर तक 26,139 लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन दूसरी लहर में 1 से 15 अप्रैल के बीच कोरोना ने 84,179 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। यदि मौतों की तुलना करें तो अभी तक 4,425 लोग जान गंवा चुके हैं। इसमें पिछले 24 घंटों में हुई 60 मौतें भी शामिल है। पहली लहर में 367 मौतें हुई थी, लेकिन दूसरी लहर में 411 की जान गई। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में संक्रमण दर 22.13% हो गई है। सैंपल देने वाला हर चौथे व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इस लिहाज से देखें तो कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। पहली लहर से इस बार संक्रमण दर दोगुनी है। पहली लहर में 15 सितंबर 2020 को संक्रमण दर 11.2% थी। यही वजह है कि सरकार को अब 1 लाख बेड का इंतजाम करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में भोपाल में हालत ज्यादा खराब है। सरकारी आंकड़ों में सितंबर की तुलना में यहां मौतें कम दर्ज, लेकिन संक्रमण की रफ्तार पहली लहर की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। सितंबर के 15 दिनों में भोपाल में 2,788 संक्रमित मिले थे, लेकिन अप्रैल माह में अभी तक 12,744 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में एक्टिव केस 59,183 हो गए हैं। इसमें से 39,847 केस पिछले 15 दिनों में मिले हैं। पिछले साल सितंबर के 15 दिनों में 7,286 केस मिले थे, यानी करीब एक्टिव केस भी करीब 6 गुना बढ़ गए हैं। फसल उपार्जन प्रक्रिया में आई तेजी, 5 दिनों में रिकॉर्ड खरीदी, किसानों को किया जा रहा है भुगतान। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच किसानों को बड़ी राहत दी गई है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी के काम में तेजी देखी जा रही है। प्रदेश में बीते 5 दिनों में 10 लाख टन गेहूं की खरीदी की गई है। इतना ही नहीं, 17,37,000 टन गेहूं का परिवहन किया भी जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल परिवहन के साथ साथ किसानों का फसल उपार्जन भी किया जा रहा है। अभी तक किसानों को 1200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वही फसल खरीदी के बीच प्रदेश के 3,06,000 किसानों से 21 लाख टन से अधिक की गेहूं खरीदी की जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस बार 24 लाख से अधिक किसानों ने फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें छोटे छोटे अंतराल पर किसानों को फसल बेचने के लिए SMS भेजे जा रहे हैं। इस मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों कहना कि शुरुआती दिनों में फसल उपार्जन की प्रक्रिया थोड़ी धीमी थी, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच एक बार फिर से उपार्जन में गति देखी गई है। जी हाँ दोस्तों, वही रात की बात यह कि किसानों से फसल खरीदने के बाद उन्हें खातों में फौरन ही भुगतान किया जा रहा है। इस मामले में अधिकारियों ने आशंका जताई कि जल्दी फसल उपार्जन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। फसलों को बारिश से बचाने के लिए इस बार खरीदी के साथ साथ परिवहन की व्यवस्था भी रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले प्रदेश में बड़े कोरोना प्रभाव को देखते हुए किसानों को फसल उपार्जन के लिए नियम और निर्देश तय किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किसानों को अपनी फसल बेचनी है। वही उपार्जन केंद्रों पर पहुंच रहे किसान मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए अपनी फसलों को बेच रहे हैं। वही जिन किसानों ने मास्क नहीं लगाए होते हैं, उनकी खरीदी नहीं की जा रही है। सीएम शिवराज ने की कोरोना स्थिति की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए जिलों में बिस्तर बढ़ाने, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए युद्ध स्तर प्रयास जारी किए गए हैं। सीएम शिवराज ने सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि होम आइसोलेशन की पूरी जानकारी प्रशासन के पास रहनी चाहिए। वही होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में 49 जिलों में कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। वही केंद्र सरकार द्वारा 450 MT ऑक्सीजन की स्वीकृति मिल गई है, उसे जल्द से जल्द मध्य प्रदेश लाने की व्यवस्था की जा रही है। होम आइसोलेशन के मरीजों को दवाओ एवं चिकित्सा परामर्श के साथ ही आवश्यकता होने पर अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही सीएम शिवराज ने निर्देश दिए कि कोरोना के टेस्ट के बाद ही 24 घंटों में रिपोर्ट मिलनी चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज ने निर्देश दिए कि ऑक्सीजन संयंत्रों से प्रदेश में ऑक्सीजन लाने के लिए ऑक्सीजन टैंकरों को फॉलो एवं पायलट गार्ड दिए जाए, जिससे रियल टाइम में ऑक्सीजन प्रदेश पहुँच सके। ऑक्सीजन लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में आज 175 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिलों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वही बड़े अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी जल्दी शुरू किया जाएगा।
अभी तक 42,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। महिला ने कंपनी को 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑर्डर दिया है जो सिर्फ प्रदेश को प्राप्त होंगे। इसके अलावा सिप्ला आदि कंपनियों से भी रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आगे की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए वर्तमान में कुल 37,719 बिस्तर है, जिनमें से 21,516 सरकारी अस्पतालों में तथा 16,213 निजी अस्पतालों में है। एम्स भोपाल में 500 बिस्तरों का अनुबंध किया गया है, जिनमें से 165 बिस्तर आईसीयू के हैं। भोपाल में अभी 6,361 बिस्तर है, जिन्हें बढ़ाकर 9,822 किए जाने की योजना है। इसी प्रकार इंदौर में वर्तमान में 6,774 बिस्तर है, जिन्हें 13,000 किया जा रहा है। जबलपुर में 3,150 बिस्तर है, जिन्हें बढ़ाकर 5,132 किया जा रहा है। उज्जैन में 1,090 बिस्तर है, जिन्हें बढ़ाकर 1,933 किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, शिवराज ने लोगों से अपील की है कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन आम जनता के सहयोग से इस पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं छात्रों को दी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच शिवराज सरकार ने एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल 10वीं और 12वीं परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सुधार के अंतिम तिथि 15 अप्रैल रखी गई थी, अब उसे बढ़ा दिया गया है। जी हां दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए कक्षा एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के प्रवेश पत्र में सुधार की अंतिम तिथि को 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब विद्यार्थी द्वारा एमपी ऑनलाइन का पोर्टल प्रवेश पत्र में गलतियां 10 मई तक सुधारे जा सकेंगे। प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को 1 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। वही नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। इससे पहले छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्र में हुई त्रुटियों को सुधार सकते हैं। इसके लिए उन्हें एमपी ऑनलाइन पोर्टल से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। कोरोना ने चरमराई अर्थव्यवस्था, शिवराज सरकार इस साल भी लेगी 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार इस बार भी 50,000 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। बता दें कि बीते दिनों वित्त विभाग के साथ समीक्षा बैठक के दौरान इस बात की जानकारी दी है। दरअसल समीक्षा बैठक में वित्त विभाग ने बताया कि इस बार 75,000 करोड़ रुपए राजस्व संग्रहण होना। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, वही प्रदेश में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए मध्य प्रदेश सरकार 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज जीडीपी के आधार पर मिलने वाली कर्ज लेने की छूट के तहत लेगी। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कर्ज लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। वित्त विभाग ने कहा कि इस साल संक्रमण से हालत बिगड़ते नजर आ रहे हैं कोरोना के चलते, फिर टला दस्तावेजों का वेरिफिकेशन। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगभग 70,000 से अधिक शिक्षकों की कमी है। 3 साल से वर्ग 1 वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा पास कर अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय ने कोरोना के कारण दूसरी बार शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन रोक दिया गया है। इसके चलते लगभग 50% अभ्यर्थी फिर अटक गए हैं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा।